आपस में क्यों लड़ झगड़ रही हो? क्या कारण? कोई कारण नहीं है, उसको मैं चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, मैं इस महल में रहने नहीं दूंगी। मैं भी चेहरा नहीं। सुनो, तुम लोग क्या जानोगी मैं कितने दुख से अब मैं सुख पा रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे बेटा को हाथ उठवाई है, वही 12 वर्ष से भटक करके आई है, अनेरवा घुरेरवा के लेकर के आ, वही बनिए महल में बैठ करके कभी रानी बनूंगी। माँ माँ, दादी जी सच कहती है, सच बोलती है दादी जी। तुम दोनों आपस में लड़ती हो, तुम मेरे राज बुराना चाहती हो बेटी सोना। रात पूरे आ रहा है, उसके लिए मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं उसके रानी को मैं समझाती हूँ, तुम लोग बात नहीं मानती हो। मैं कितने दुखी से मैंने यह मोहब्बत आज पाई हूँ। आपस में तुम मेरे राज को पुताना चाहती हो। पुतु सोना, पुतु फूला, तुम दोनों दयादिनी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। जा तुम दोनों अपने अपने महल में खाना बनाओ। मैं फूल की चमेटा नहीं खाई हूँ, लेकिन दादी माँ है इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। लेकिन रुक जाओ माँ, रुक जाएगी तुम। दादी जी सच कहती है माँ, तुम नहीं लड़ो, नहीं लड़ो माँ, नहीं लड़ेगी। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या है अधिकार? तुम क्या है अधिकार? बगीचा का अधिकार नहीं है? आपका अधिकार नहीं है? कोई अधिकार नहीं है? देखो तुम जा रही हो, बेटा उदल को बुला कर ले आओ। मैं जा रहा हूँ माँ, अपने पिताजी के पास। तुम यहां रुकेगी? ठीक है बेटा। जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, अपने पिताजी के बंगला पे जा रहा हूँ। सारी कहानी सारी बातें मैं आज अपने पिताजी से कह दूंगा। क्या बात है, कोई संवाद नहीं आता है। प्रणाम पिताजी। कान बेटा इंद्रजीत। पिताजी आज महल में जुल्म हो रहा है पिताजी। क्या जुल्म हो रहा है? चाची जी मेरी माँ की बहुत मार मारी है। कान डाइन सोना। हाँ चल देखा वही डलिया जो सोना की रे बदना हम चलेंगे। जबानी में कौन दुल्हन के मारे मारे।
जी, तुम जल्द मुझे दिखलाओ क्या बातें होती है। चलिए महल में चलिए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मेरा नगर मोहब्बा में 14 कोस में एक बेटा इंदर है जो सारी मोहब्बा में चिराग जल रहा है। हो या खक्के ये पुतला ये के पास
की जिंदा वो देखेंगे नतीजा हो बाबूजी राजमुख बाबू।